McAfee Edge World। हाय गाइस, मैं हूं शोभित और ये है अनुराग। बिट्स गोवा में मैकेनिकल कर रहा है, अभी घर से ही कर रहा है। गोवा थोड़ी देर के बाद जाएगा, आराम से टाइम पास करेगा वहाँ पे। सो यार, ये दो साल तक हमारे पास नहीं बढ़ा एक्चुअली। इसने फर्स्ट मेंस देने के बाद हमें ज्वाइन किया था। फर्स्ट मेंस लिखने से पहले ये किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, उसके बाद ये। मतलब एक जनरल आइडिया मेरा है कि चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, हर जगह पर टीचर्स अच्छे होते हैं, स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है, इंफ्रा भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या था जब तुमने यहाँ पे प्रिपरेशन किया और वहाँ पे कर रहे थे, तो जहाँ पे भी कर रहे थे उसमें क्या डिफरेंस था, बस मुझे वो जानना। एक्चुअली मैंने नवंबर में ही ज्वाइन किया था, फर्स्ट मेंस के पहले ही किया था। अच्छा, फर्स्ट मेंस के पहले। तो इनिशियली मेरे दिमाग में था कि मैं बोर्ड्स पे फोकस करते हुए ज्वाइन करूँगा, बट इधर आने के बाद फिर जब मैं प्रैक्टिस करने लगा, एंड क्योंकि बोर्ड और जेई का तो सिलेबस सेम ही होता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा मेंस भी काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा था मेरे पहले वाले कोचिंग में, बट इधर आके जब प्रैक्टिस करने लगा मैं और थोड़ा बेटर समझने लगा, तो मेरा काफ़ी स्कोर में भी इम्प्रूवमेंट होने लगा। स्पेशली मेरा मैथ्स और केमिस्ट्री काफ़ी ख़राब था। मैथ्स में तो मुझे लिटरली सिंगल डिजिट मार्क्स आते थे मेरे पहले कोचिंग वाले टेस्ट में, बट इधर आके फिर विकास सर में सिखाते थे मैथ्स उस वक्त, तो थोड़ा उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करा है इधर, तो उसकी वजह से मेरा मैथ्स भी लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे देखा है, जैसे मैं भी अलग अलग जगह पे पढ़ाता था, मैंने देखा था कि मुझे खुद ही टाइम नहीं मिलता था कि बुकलेट सॉल्व करनी है, तो बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लास में या कोई और चीज़ है। तो अगर तुम लोग बुकलेट सॉल्व करके आ रहे हो अपनी या कहीं और की, वो तुम्हें डिस्कस करनी है, तो वो टाइम मिल पाता था। हाँ, वो मिल पाता था, बट वो यूजुअली क्लास के बाद ही था ऑफकोर्स, तो डाउट सेशंस होते थे तो उसमें पूछ लेते थे। और ये प्लानिंग ओथ कुछ? हाँ, एक्चुअली इधर आके जब मुझे लाइक पता चला कि प्लानिंग करके भी कुछ एक है इधर इम्प्रूव सेशन जो था, तो मैं पहले कभी कुछ प्लानिंग करनी मतलब करना जानता नहीं था, मैं कुछ कर नहीं था। यूजुअली स्टूडेंट करते नहीं, उनको लगता है कि यार दिस इज नॉट द कूल स्टफ, प्लानिंग। हाँ, एग्जैक्टली। तो इधर आके मैंने लाइक प्लानर बनाना शुरू किया। इनिशियली फॉलो करना थोड़ा लाइक डिफिकल्ट पड़ रहा था, बट जब फॉलो करना चालू किया एंड फिर वो रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ, तो फिर वो इम्पोर्टेंस अपने आप लाइक पता चलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड लाइक प्लानर एक्चुअली बनाना ही चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा इजी हो जाता है उसके वजह से। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन जैसे प्लान करते हैं तो लगता है कि यार ये इतना ज्यादा है, कितना करना है दिन में, तो बेटर हो जाता है फिर। सो चलो ठीक है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी पर्सनल अटेंशन मिली तुम्हें। एक्चुअली इधर एक मेन एडवांटेज ये है कि लाइक बैच के साइज यूजुअली छोटे हो जाते हैं, तो फिर मतलब कर दिए जाते हैं, तो इसलिए फोकस ज़्यादा रहता है एंड हर बच्चे पे फोकस रहता है, तो हर बच्चे का नीड्स क्या है, उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो तो सब। हाँ, वो क्योंकि लाइक बड़े इंस्टीट्यूट्स में वैसा नहीं रहता है, वो एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे रहते हैं कि हर कोई कोप नहीं कर पाता है, इधर वो नहीं है वैसा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उस जगह पे एडवांटेज है, थोड़ा एक एडवांटेज है, प्लानिंग है, मेडिटेशन ही सब। मेडिटेशन जनरली लोगों को उतना सूट करता नहीं है, बट अगर समाव मेडिटेशन आप करते रहोगे लाइफ में तो। एक्चुअली मुझे भी था लाइक, मुझे भी टेस्ट के पहले काफ़ी एंजाइटी होता था, बट फिर मेडिटेशन सुबह सुबह उठ के थोड़ा घर पे करके, क्लास में भी हम लोग इनिशियली 5-10 मिनट्स मेडिटेट करते थे, तो हाँ मतलब उसकी वजह से भी काफ़ी हेल्प होता है। चलो, आई होप तुम ये सारी चीज़ें आगे भी कंटिन्यू करते रहोगे, विजुलाइजेशन, मेडिटेशन एंड ऑल। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू सर।